आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास विभाग तरफ से वैकेंसियां निकली है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, मिनी कार्यकर्ता की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की। तो दोस्तों, भोपाल संभाग के सीहोर, राजगढ़, भोपाल समेत बहुत विभिन्न जिलों में ये भर्ती निकली है। तो कितने कितने पद हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के, मिनी कार्यकर्ता के, तो कितने कितने पद हैं सभी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल दीपेश कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आप चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, हम नोटिफिकेशन की तरफ आ चुके हैं। शायद आपको यहाँ पर क्लियर ना दिख रहा हो क्योंकि नोटिफिकेशन वेबसाइट पर ही ऐसा ही अपलोड हुआ है। तो कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल संभाग है। भोपाल संभाग में संचालित एकीकृत विकास परियोजना में 46 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, 103 आंगनबाड़ी सहायिका और 2 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के को पूर्व आधारित एवं मानदेय आधारित पदों के लिए महिलाओं अभ्यर्थियों से निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल मिला के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनकी 46 पोस्ट हैं और 103 सहायिका की पोस्ट है और 2 मिनी कार्यकर्ता की पोस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल जिला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। भोपाल जिले में यहाँ पर कितने हैं टोटल, यहाँ पर आपको नगर देखने को मिल रहा है, कटा नगर है, कोल नगर। दोस्तों, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमने स्क्रीनशॉट भी लिया, चलिए हम उस पर जाकर पूरी तरीके से चेक देख ले। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिले अनुसार भोपाल संभाग आंगनबाड़ी वैकेंसी। तो यहाँ पर आप भोपाल देख सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन से नगर में निकली है वो वैकेंसी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको देख रहा होगा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता के कितने पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा रायसेन जिला, रायसेन जिले के यहाँ पर आप नगर, गाँव, पंचायत देख सकते हैं। और यहाँ पर साइड में सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको राजगढ़ जिला दिख रहा है, राजगढ़ जिला में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सीहोर जिला दिख रहा है, सीहोर जिले के यहाँ पर पंचायत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विदिशा जिला दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 जिले हैं वहां पर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट निकली है। इससे पहले भी हमने कुछ 4 से 5 जिले की और वहां पर वैकेंसी निकली थी, उसका भी वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया था, वो भी आपको प्रोवाइड करवाया था। आशा करता हूँ वो भी आपने जरूर देखा होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। भोपाल जिले में टोटल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदों की संख्या 12 है, मिनी आंगनबाड़ी सहायिका की 32 है और ठीक है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 0 और सहायिका की 32 है। रायसेन में टोटल 3 है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की और सहायिका की 6 है और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 0 है, ठीक है। और राजगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6, सहायिका 22 और मिनी कार्यकर्ता 1। वहीं सीओर में हम देख लेंगे 8 है और 8 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और भाई बात करेंगे विदिशा जिले में, तो विदिशा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 17 पोस्ट हैं और 35 पोस्ट सहायिका की और 1 पोस्ट है यहाँ पर मिनी कार्यकर्ता की। ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर योग 46, 103 और 2, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगे वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।